सभी को नमस्कार। मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड एससीबीआई। मित्रों, आज हम लोग डीएड एससीबीआई के फोर्थ सेम में यूनिट पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के यूनिट 5.3 रिमेडियल टीचिंग को देखेंगे। रिमेडियल टीचिंग को अगर हम उसका हिंदी अनुवाद देखें, उसका अर्थ होता है उपचारात्मक शिक्षण। सर्वप्रथम हम लोग इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं, अर्थ की तरफ। मीनिंग ऑफ रिमेडियल टीचिंग, तो उपचारात्मक शिक्षण के अर्थ के बारे में कहा जा सकता है कि निदानात्मक परीक्षणों द्वारा छात्रों की समस्या या कठिनाई के कारणों का ज्ञान हो जाने के उपरांत उपचार हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। शिक्षा शब्दकोश में उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट करते हुए लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की किसी भी कमी जो निम्न सामान्य योग्यता के कारण नहीं, को अंशतः अथवा पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। आशा है आप इसके अर्थ को समझ पाए होंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ें तो उपचारात्मक शिक्षण हेतु कठिनाइयों के स्वरूप को देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ डिफिकल्टीज फॉर रिमेडियल टीचिंग, निदानात्मक परीक्षणों के परिणामों से ज्ञात कमजोरियों, समस्याओं एवं कठिनाइयों का स्वरूप निम्नलिखित हो सकता है। फर्स्ट, सामान्य कठिनाइयाँ, जनरल डिफिकल्टीज। सेकेंड, विशिष्ट कठिनाइयाँ, स्पेसिफिक डिफिकल्टीज। थर्ड, पूर्व ज्ञान से असंबद्ध कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज अनरिलेटेड विथ प्रीवियस नॉलेज। इसको हम लोग क्रमवार एक एक करके देखते हैं। अगर हम पहले की बात करें, सामान्य कठिनाइयाँ और उसके निवारण हेतु उपाय, जनरल डिफिकल्टीज एंड मेजर ऑफ देयर रिमूवल। यदि कक्षा के अधिकांश छात्र गणित के शिक्षण अधिगम में किसी कठिनाई का अनुभव करते हैं तो इसे सामान्य कठिनाई कहा जाता है। इस सामान्य कठिनाई के निवारण हेतु समन्वित उपाय के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, यदि सामान्य कठिनाई विषय विशेष के जिस क्षेत्र अथवा प्रकरण से संबंधित है उसके शिक्षण अधिगम हेतु अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। अन्य अगर देखें, शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अधिगम की अन्य शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। जिस शिक्षण विधि से हम पढ़ा रहे हैं, अगर छात्र उसको सही ढंग से नहीं समझ पा रहा है तो हम अन्य किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करें। अगला, शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने में श्रव्य दृश्य उपकरणों, अभ्यास कार्य एवं प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व दिया जा सकता है। अब यहाँ पे सामान्य कठिनाई के निवारण हेतु तीन चीज़ों पर विशेष फोकस किया गया। पहला, कि सामान्य बच्चों के विषय विशेष समस्या को देखते हुए अतिरिक्त कक्षा, एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उन्हें समझाया जाए। दूसरे में हमें बताया गया कि प्रभावपूर्ण शिक्षण बनाने के लिए शिक्षण विधियों में बदलाव कर लिया जाए, किसी अन्य शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। तीसरा हमें बताया गया कि श्रव्य दृश्य सामग्री, देखने और सुनने से संबंधित सामग्री
अथवा विशेष प्रकार से युक्त बनाए गए शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, जिससे विद्यार्थियों में जागरण बढ़े और बच्चों की सामान्य कठिनाइयों का निदान हो सके। अब इसकी दूसरी कठिनाई, जिसको हम लोग विशिष्ट कठिनाइयां कहते हैं, उसके निवारण हेतु अगर हम देखें, यदि निदानात्मक परीक्षण से किसी छात्र में गणित के शिक्षण अधिगम में व्यक्तिगत कठिनाइयां प्रकाश में आती हैं तो वे विशिष्ट कठिनाइयां कही जाती हैं। जैसे विषय क्षेत्र प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान की कमी का होना, छात्र में अधिगम क्षमता का अभाव होना, उक्त विशिष्ट कठिनाइयों के निवारण हेतु वैयक्तिक एवं विशिष्ट उपाय किए जाते हैं। छात्र की विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। छात्र की अधिगम क्षमता के विकास के लिए अतिरिक्त शिक्षण उपयुक्त विधियों एवं तकनीकियों की सहायता ली जा सकती है। अब हम तीसरी देखें, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाइयां एवं निवारण हेतु उपाय, डिफिकल्टी रिलेटेड विथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड मेजर फॉर देयर रिमूवल। यदि छात्र के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में कमी के कारण अधिगम में कठिनाई आती है तो उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की ठीक कराने के लिए उपचार अथवा शारीरिक उपचार हेतु उसे उपचार गृहों में भेजा जाए, काउंसलिंग की जाए या स्वास्थ्य परक सेवाएं दी जाए। अब इससे आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो कुछ और अन्य कठिनाइयां भी बच्चों को दिखाई देती हैं इसमें, और उनके निवारण हेतु हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसको देखते हैं। अदर डिफिकल्टीज एंड मेजर्स ऑफ देयर रिमूवल। यदि छात्र में विषयगत व्यक्तिगत कठिनाइयां प्रकाश में आती हैं, जैसे समय अभाव के कारण गृह कार्य न कर पाना, बच्चे ने कहा कि हमें समय नहीं मिला, हम होमवर्क नहीं कर पाए, घर के अन्य कार्यों में संलग्न रहने से छात्र द्वारा विषय विशेष को न दोहराना अथवा स्वाध्याय न करना, उपयुक्त के निवारण के लिए छात्र के अभिभावक से संपर्क करके उनका अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है, उन्हें अपने पाल्य की कमजोरियों के अनुरूप उनकी शिक्षा पर अतिरिक्त समय और ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और बताया जा सकता है कि छात्र को पठन पाठन के लिए अधिक समय दिया जाए, गृह कार्य में माता पिता या सामाजिक सहभागिता को बढ़ा करके बच्चे को प्रेरित किया जाए कि वह गृह कार्य को पूर्ण कर सके, वह आसानी के साथ विद्यालय से दिए हुए कार्यों को करके और विषय विशेष के प्रति अपने रुचि का जागरण कर सके। अब हम लोग इससे आगे जब पॉइंट पर बढ़ते हैं तो गणित में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, गणित में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। पहला, कक्षा शिक्षण के द्वारा, क्लास टीचिंग के द्वारा। दूसरा, ट्यूटोरियल शिक्षण के द्वारा। तीसरा, स्व अनुदेशित शिक्षण के द्वारा, ऑटो इंस्ट्रक्शन टीचिंग के द्वारा। और चौथा, अनौपचारिक शिक्षण, नॉन फॉर्मल टीचिंग के द्वारा। एक एक को अगर हम कहें तो फर्स्ट को चुनते हैं, कक्षा शिक्षण, क्लास टीचिंग। गणित में उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में कक्षा के वर्तमान स्वरूप और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यह जानकारी हो जाने पर किसी कक्षा के छात्र विषय विशेष की किसी एक शाखा, प्रकरण, विषय वस्तु, प्रक्रिया, अवधारणा आदि को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं या कुछ भी उन्हें अब पढ़ाया जा रहा है उसके विषय में अपेक्षित पूर्व ज्ञान उनके पास नहीं है, तो शिक्षक समस्त कक्षा के छात्रों को उसके विषय में पुनः ज्ञान प्रदान करता है।
अर्थात एक बार शिक्षक ने सामूहिक रूप से बताया, लेकिन किसी छात्र ने बताया कि पूर्व ज्ञान न होने से वो रिलेट नहीं कर पाया, तो अध्यापक फिर से उस बताई हुई जानकारी को दोहराता है, पहले पढ़ाए पाठ को पुनः पढ़ाता है, किसी भी अंश को अच्छी तरह स्पष्ट करता है, एक से अधिक बार दोहराता है, विषय में विविध प्रकार के अधिगम अनुभवों को बहुइंद्रिय माध्यम से प्रस्तुत करता है। बहुइंद्रिय माध्यम चित्रात्मक स्वरूप में मॉडल बना करके शाब्दिक स्वरूप में प्रस्तुत करता है सामने। ऐसे सभी प्रयत्न अपने शिक्षण के द्वारा करता है जिससे विद्यार्थियों की परेशानियों को दूर किया जा सके। इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण द्वारा शिक्षक कक्षा के समस्त छात्रों की एक सदृश अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए समन्वित प्रयास कर सकता है। इस तरीके से कक्षा में आने वाली विद्यार्थियों की समस्याओं को हम आसानी के साथ निदान कर सकते हैं। दूसरा देखें, ट्यूटोरियल शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में ट्यूटोरियल शिक्षण विशेष लाभप्रद है। ट्यूटोरियल में छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं एवं शिक्षण की जटिलताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस ट्यूटोरियल के मुख्य तीन रूप होते हैं, समूह ट्यूटोरियल शिक्षण, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग, दूसरा वैयक्तिक ट्यूटोरियल शिक्षण, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग, तीसरा पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण, सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। ट्यूशन के माध्यम से एकल उसे समूहगत ट्यूटर करके, ट्वीट करके या उसे समझा करके ट्यूशन प्रदान करके, फिर वैयक्तिक स्तर पे अगर बच्चा तब भी नहीं समझ पा रहा, दो चार के समूह में नहीं समझ पा रहा है, तो अकेले उसे बैठा करके वैयक्तिक ट्यूटोरियल दिया जाए इंडिविजुअल ट्यूटोरियल के माध्यम से, और अगर तब भी नहीं समझा तो पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल सुपरवाइज ट्यूटोरियल लगाया जाए, अनेक उसे रिसोर्स रूम में ले जाकर विषय से संबंधित बहुत सी सामग्री जो उपयोगी है, एक एक पक्ष को उसको क्लियर कर रही है, सभी सामग्रियों को उसके सामने एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत करके उसे उस समस्या से निजात दिलाया जा सकता है। अब तीसरा अगर हम देखें तो हमारे पास आता है स्व अनुदेशित शिक्षण, ऑटो स्ट्रक्चरल टीचिंग। इस प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में छात्रों को स्व अनुदेशन द्वारा ही अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करने पड़ते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। छात्र को कार्य दे दिया जाता है, छात्र को समस्या दे दी जाती है, उस समस्या का समाधान वो खुद खोजता है, चाहे जिन विधियों का प्रयोग करें, चाहे जिन माध्यमों का प्रयोग करें, चाहे जिस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें, वह उसकी अपनी मत है, वह समस्या का समाधान खोजे और निर्णय निकाले कि ये इसका निर्णय होगा, बस आंसर निकाल के दिखाए। यहाँ जिस प्रकार की विषयगत अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियाँ निदान की जाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्व अनुदेशन सामग्री अभिक्रमित अधिगम पैकेज के रूप में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में छात्र विशेष को उपलब्ध करा दी जाती है। वह उस अनुदेशन सामग्री का उपयोग करते हुए स्वयं ही उससे उचित अनुदेशन ग्रहण करते हुए अपनी अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों के निवारण के लिए प्रयत्न करता है। अब अगर हम चौथे की तरफ चलें तो अनौपचारिक शिक्षण इनफॉर्मल टीचिंग को देखते हैं। विषय विशेष संबंधी अनौपचारिक शिक्षण गतिविधियों को अगर औपचारिक शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए तो जिन छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण चाहिए उनकी बहुत कुछ अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों का निवारण हो सकता है। गणित के कार्यक्रमों में भाग लेना, गणित की विविध वस्तुओं का संग्रह करना, सामूहिक चर्चाएं और वाद विवाद में भाग लेना, गणित के मॉडल बनाना, गणित प्रदर्शनी में भाग लेना तथा अन्य विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना और उनसे अनौपचारिक गतिविधियों में प्रतिभाग करवाना, जिनका उपयोग उपचारात्मक शिक्षण में किया जा सकता है। इसके लाभ अगर हम देखें, एडवांटेज क्या है, तो उपचारात्मक शिक्षण से छात्रों की अधिगम की कमियों एवं कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है।
इसमें छात्रों की व्यक्तित्व कमियों या कठिनाइयों को व्यक्तिगत रूप से दूर किया जाता है। इससे छात्रों को विशेष लाभ होता है, भविष्य में ऐसी कमियों या कठिनाइयों का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता है। इससे छात्रों की क्षमताएं विकसित होती हैं, परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास होने लगता है। अब इसके लिए परीक्षा प्रश्न कैसे हो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे हो, तो इसका पैटर्न तीन रखते हैं, विश्लेषणात्मक समस्यात्मक प्रश्न, एनालिटिक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इस तरीके के प्रश्नों को बना करके हम विद्यार्थियों को आसानी से उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को अधिक से अधिक समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य करें। धन्यवाद।